कमाल तो किया है, मैं कोई शक की बात सब ये नहीं। बात ऑफिशियल हो चुकी है, इतिहास में पहली बार भारत ने 400 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट का जो इंडिया आंकड़ा है ये छुआ है, दिस इज वेरी स्पेशल। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो अभी ये है कि पूरा फाइनेंशियल ईयर अभी खत्म भी नहीं हुआ, मार्च 31 को जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ये खत्म अच्छा। तो 9 दिन पहले ही हमने 9 दिन पहले ये ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर आप देख पाओगे पीएम मोदी की ट्वीट है, इंडिया सेट एन एम्बिशियस टारगेट 410 तक निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, एंड अचीव दिस टारगेट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। ये यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं अपने किसानों को, वीवर्स को, जो छोटे मध्यम वर्ग के एंटरप्राइजेस हैं इनको, मैन्युफैक्चरर्स को, एक्सपोर्टर्स भाई को, सारे को अप्रिशिएट किया है। अपने आप में ये बहुत ही स्पेशल है क्योंकि यहाँ पे आपको समझना होगा पिछले साल हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट था गुड्स का, माइंड यू हम यहाँ पर सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट होता है जो इन्फोसिस TCS हमारी IT कंपनीज करती है उनको काउंट नहीं, अच्छा, अच्छा। ये सिर्फ हम बात कर रहे हैं टेंजेबल गुड्स की जो कार्गो के थ्रू हम दुनिया भर में एक्सपोर्ट, अच्छा, हाँ, 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 तो इसका एक्सपोर्ट आप अगर आईटी नहीं तो है, पिछले फाइनेंशियल ईयर में $292 बिलियन, इसमें 37% की उछाल आई है और अब ये 400 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है 9 days अहेड ऑफ द शेड्यूल। कोई बड़ी बात नहीं है कि 9 दिन में इसको हम 410-430 के आसपास, 20 थोड़ा सा ऑफवर्ड रहेगा, 430 के आसपास भी पहुंचा दे, दैट वुड बी वंडरफुल। और अभी तो खैर हम अभी जो सर्विसेज के एक्सपोर्ट है उनको भी काउंट करें तो $250 बिलियन के एक्सपोर्ट उम्मीद की जा रही है कि वहां से भी होंगे, तो इंडिया के जो टोटल एक्सपोर्ट होने वाले हैं करंट फाइनेंशियल ईयर में कोई बड़ी बात नहीं है, ये 650 बिलियन डॉलर के आसपास। बड़ी बात है यार, फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी एक्सपोर्ट हुई। यहाँ पे मैं ये भी आपको बोल दूं जो गुड्स वाले एक्सपोर्ट्स है ना इसको सरकार ज्यादा तवज्जो इसलिए देती है क्योंकि इससे बनती हैं जॉब्स, आईटी के जो एक्सपोर्ट्स हैं बिल्कुल कुछ ही लोग बहुत ही हाई सैलरी पे काम करके काफी, ये बात आईटी में तो ये चीज के मामले में जॉबें बहुत निकली हैं। जो गुड्स का एक्सपोर्ट हुआ है उसमें आप मान के चल लीजिए हर दिन इंडिया ने $1 बिलियन से भी ज्यादा का एक्सपोर्ट, एक दिन से ऊपर का। और अब सरकार जेन्युइनली बिलीव कर रही है कि आने वाले कुछ सालों में, कोई बड़ी बात नहीं है, 2026-27 में भी इवन 28 में हमारे जो टोटल एक्सपोर्ट्स है गुड्स और सर्विसेज दोनों के एक्सपोर्ट्स आप मिला दो तो हो सकता है कि $1,000 बिलियन मतलब के $1 ट्रिलियन तक हो सकते हैं। दिस विल बी रिमार्केबल फॉर इंडिया। तो डिस्कस करते हैं तो देखो कि हमने यह कैसे किया, क्या जनरली यहाँ पर खुश होने की बात है, बैड न्यूज भी यहाँ पर क्या ही है साथ में, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि रिसेंटली सरकार ने जो फॉरेन ट्रेड को लेकर पॉलिसी बनाई है, सरकार हमेशा एक नीति अच्छा, बनाती है कि विदेशी ट्रेड जो है हमारा इसको हम कैसे मैनेज करेंगे, क्या टारगेट होगा, सालाना बनती है, चल रही है, इसका टाइम पीरियड कब से कब तक का है, 2020 से 2030 का, 2021 से 2025 का, 2021 से 2031 का, या फिर 2021 से 2026 का। कमेंट सेक्शन में सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ देखिए अपने आप में $400 बिलियन का एक्सपोर्ट अचीव करना बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त बात है। में हम कहां पर खड़े हैं ये भी जानना काफी इम्पोर्टेंट हाँ। देखिए टोटल जो हमारा एक्सपोर्ट्स है मान के चल लीजिए अगर $650 बिलियन के आसपास का होगा सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स को मिलाकर भी, तो इसको आप अगर कंपेयर करोगे चाइना के टोटल एक्सपोर्ट्स से तो चाइना के टोटल एक्सपोर्ट्स रहे हैं 3.2 से लेकर 3.3 ट्रिलियन एक्सपोर्ट चाइना आप कह लीजिए 5 से लेकर 6 गुना आगे है। तो चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, यूएस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी कंट्री चाइना के आगे नहीं है। तो ये इवेंचुअली हमारा टारगेट होना चाहिए, वो वजह आज तक तो नहीं है ना। और मेरा ये मानना है कि इन द फ्यूचर इंडिया तो ये 6-7 साल हो जबकि मोदी जी की हुकूमत आई तब एक्सपोर्ट्स बढ़ी बहुत ही तेजी से बढ़ेंगे। रीजन क्या है, हम लोग इस वक्त बहुत से देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशन कर रहे हैं और नेगोशिएशन बहुत कड़ी है, ये गवर्नमेंट एंश्योर कर रही है कि इंडिया को अपर हैंड मिले एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अच्छा। एक बार को चाहे बातचीत में कई साल क्यों ना बीत जाए, पहले कोई छोटी ट्रेड डील हो बाद में बड़ी ट्रेड डील हो डज नॉट मैटर, जो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो उसमें इंडिया को फायदा होना चाहिए। तो देखिए FTA साइन करेगा प्रॉपरली ऑस्ट्रेलिया के साथ, फिर यूरोप के साथ साइन करेगा, UK के साथ बात चल रही है, बहुत से देशों के साथ एक बार FTA प्रॉपरली हमने साइन कर लिया फिर आप देखेंगे इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं और भी जरा बढ़ेंगे एंड इवेंचुअली हम बिल्कुल चाइना से ही कम्पीट करने वाले हैं। इस सब में देखिए हमने एक काम ये भी किया है
नई मार्केट्स कैप्चर करेंगे। अफ्रीका में कई देश हैं, इथोपिया है, नाइजीरिया है, वहां पर पहले हम कुछ जरा एक्सपोर्ट करते नहीं थे, अब रिसेंटली हमने देखा है कि इंडिया के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, हमारी दवाइयां बनाते हैं, वैक्सीन्स हैं, ये सब हमने बहुत एक्सपोर्ट करी है वहां पर। फिर एक टाइम में जो गल्फ कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, यहाँ पर फूड का नंबर वन सप्लायर हुआ करता था इंडिया एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में। हमने रिसेंटली ब्राजील को पीछे छोड़कर वापस टाइटल रिक्लेम किया है ऑफ लार्जेस्ट फूड एक्सपोर्टर टू गल्फ। तो कई मार्केट जो हमारे हाथ से पहले निकल गई थी हमने रिकैप्चर करी है, नई मार्केट बनाई है और हमने पर्टिकुलरली फोकस किया है इंजीनियरिंग गुड्स पर। इस सब की वजह से देखा गया है कि हमारे रिसेंट एक्सपोर्ट्स में काफी बड़ा चीज आती है। इंजीनियरिंग गुड्स क्या होते हैं? देखिए इंजीनियरिंग गुड्स में हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से लगातार 50% 60% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है, और आज के समय जो टोटल इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं उसमें आप देखोगे 15% है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अगर आप सोच रहे हैं वेट, ऑयल, हम लोग ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं? नहीं, हम लोग कच्चा तेल लेते हैं। हमारे देश में बहुत सारी रिफाइनरीज हैं, उन रिफाइनरीज का बनाते हैं पेट्रोल, डीजल, वेरियस और प्रोडक्ट, उसको हम बेचते हैं बाकी देशों को। इसलिए यहाँ पर कारोबार इंजीनियरिंग गुड्स आपको दिखेंगे। देखिए इंजीनियरिंग गुड्स ने अकेले टोटल हमारा कंट्रीब्यूशन दिया है $110 बिलियन का। इंजीनियरिंग गुड्स में बहुत ही चीजें आती हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल मशीनरी हो गई, मेटल प्रोडक्ट्स हो गए, स्टील आता है यहाँ पर, एलॉयज आते हैं वेरियस टाइप के, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, मेडिकल डिवाइसेस, ये सब आता है इंजीनियरिंग गुड्स में। तो ये हमारा जो सेक्टर है बहुत ही ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा है। और देखिए इन द फ्यूचर क्या होने वाला है, जो हमारा एग्री सेक्टर है ना, जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट्स में भी 9% के आसपास है, इसमें बहुत ही बड़ा जंप आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया एग्रीकल्चर को भी काफी महसूस की जा रही है और बताया गया दुनिया का अन्नदाता बन के उभरेगा। हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे वीट दुनिया भर के देशों को। कोई बड़ी बात नहीं है कि पाकिस्तान भी इंडिया का वीट परचेज करे, अगर इनमें दिमाग कम होगा तो थर्ड पार्टी से लेंगे, मतलब कि पहले इंडिया सऊदी अरेबिया को या फिर यूएई को। बात ठीक है यार, बहुत जबरदस्त बात बोली है। अगर फायदा है ना, हमें सस्ता मिलेगा, रीजनेबल लोग हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया से ये लोग वीट का जो ट्रेड है ये ओपन करेंगे, नहीं तो पाकिस्तान में जो गेहूं के दाम है ये बहुत ही ज्यादा नियर फ्यूचर। तो ये सब तो है अपने आप में, ये तो फायदे वाली बात बताते हैं, आगे सुनने वाले को ये है कि हम लोग अभी खुशियां बना रहे हैं कि देखो हमने कितना सारा सामान बेचा। अब देखो अभी एक और आंकड़ा हमारे सामने आएगा कि हमने कितना कुछ खरीदा बिल्कुल, इंडिया इंपोर्ट किया, बेचता है, इंपोर्ट से ज्यादा खरीदता है, इसलिए हमारे देश में है CAD, मतलब के करंट अकाउंट डेफिसिट। तो जो हमारा CAD है डेफिनेटली इस बार बढ़ने वाला है, जितनी एक्सपेक्टेशन थी हो सकता है कि उससे जरा भी बढ़े। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि इंडियन रुपी की थोड़ी सी पिटाई हो गई है। कहां इंडियन रुपी 73-74 के आसपास झूल रहा था, ये 75 तोड़कर 76 के आसपास पहुंच गया है। फिर जो कच्चा तेल, इधर हमारा हाल देखो ना, $60 $70, इधर हमारा हाल देख लो, हां क्या बदल हुआ है, हो चुका है $110-120 पर बैरल। और इस पर भी थोड़ा जी इस पे बोझ पड़ा है, हां जी है 20% का। क्या आपने अचीव कर लिया? $100 पर आपको 20% का आपको डिस्काउंट मिलता भी है, तब भी आपने $80 का क्रूड ऑयल परचेज किया। बेसिकली जो आपने अनुमान लगा रखा था कि जितना आप पैसा खर्चोगे कच्चे तेल पर उससे ज्यादा आपको खर्चना पड़ेगा। तो अभी रियल पिक्चर आनी बाकी है कि हमने सामान खरीदा कितने का है, सरकार के पास इससे कितना बोझ बढ़ेगा, दैट रिमेन्स टू बी सीन। बट डेफिनेटली मेरा पर्सनली ये मानना है कि वर्क हार्ड, और जब आप कुछ अचीव करें उसको सेलिब्रेट भी करिए, नहीं तो पता नहीं लगता कि आपने कुछ अचीव किया भी है या नहीं अचीव किया। तो अभी के लिए ये हमारे देश के लिए अकॉम्प्लिशमेंट है, देश के इतिहास में पहली बार $400 बिलियन का एक्सपोर्ट, वो भी 9 दिन पहले, 500 बिलियन, 600 बिलियन और पहले माइलस्टोन हम लोग बिल्कुल अचीव करेंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।